भी तो उम्मीदवार हैं, भाजपा के प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन जनता का पूरा समर्थन महागठबंधन के प्रत्याशी को मिल रहा है और जनता काफ़ी आक्रोश में है। जो पिछले वादे किए गए थे, एक भी वादे उनके धरातल पर नहीं उतरे हैं, तो उनको बहुत जगह जनता उनको भगा भी रही है, जैसा कि रिपोर्ट मिल रहा है ग्राउंड से जब हम लोग भी घूमते हैं तो। और विकास क्या किया है, अगर आपकी टीम कभी जाए तो स्पेशली कहा जाए कि गोद लिया था उन्होंने दो गाँव, तो आप देख लीजिए, एक चंडोस है पालीगंज में और दूसरा मसौढ़ी का एक सुनवई गांव है। अगर आप लोग जाके वहाँ देखें तो शायद उनके निधि से एक ईंट भी नहीं लगी है, तो आप उसको जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैम, एक प्रधानमंत्री का कल सभा हुआ अयोध्या में, राम मंदिर का नाम लेने वाली बीजेपी पार्टी, प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं मगर राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ के जो संत और पुजारी है इस बात पर नाराज हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नहीं जाते और वहीं प्रियंका गांधी नहीं जाती हैं तो कितना बड़ा न्यूज़ बना दिया जाता है इसी प्रधानमंत्री के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा। ये दुर्भाग्य है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये इनका जब जब चुनाव आता है मंदिर और राष्ट्रवाद का ये लोग मुद्दा उठाते हैं। और जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत बारीकी से इनको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और जब जब सात चरण में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, जब जब बटन दबाने की बारी आती है, जब जब वो वोट अपना गिराने जाते हैं, तो उन सारे वादों को याद करते हैं और तब वो बटन दबाते हैं और वो महागठबंधन के पक्ष में जाते हैं। शिवसेना ने बुरके पर बैन लगाने की बात कही है। देखिए, अब ये दुर्भाग्य देखिए, शिवसेना और बीजेपी एक साथ है, अब ये उनका अंदरूनी मामला है पूरे देश में। और यहाँ पे आप, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे किसको, सबको अपना अधिकार है क्या पहनेगा क्या खाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन ये इसी तरह के मुद्दे लाते हैं जिनसे देश का कोई भला नहीं हो रहा है, कोई नौजवान का इससे बुरखे से कोई भला नहीं हो रहा है, किसी किसान का बुरखे से नहीं कोई भला हो रहा है। ये जो एक मुद्दा, ये लोग यही हिंदू मुस्लिम यही तो करते हैं, ये लोग आज तक यही करते आए हैं।